नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वापस से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग आए हैं सदर में यमी मोमोज। यमी मोमोज एक ऐसा यहाँ पे सदर में शबाना बेकरी के जस्ट बाजू में एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मोमोज मिलते हैं, जैसे हर एक जगह में बेसिकली जैसे फ्राइड और स्टीम मोमोज मिलते हैं। वहाँ पे हम लोगों यहाँ पे फ्राइड स्टीम के अलावा चिली मोमोज, अफगानी मोमोज, तंदूर मोमोज और बहुत ग्रेवी मोमोज टाइप के मोमोज मिलते हैं। तो आज वही दो तीन टाइप के मोमोज देखेंगे, उनको ट्राई करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे। और यहाँ जगह की स्पेशलिटी की यहाँ पे 101 अलग अलग टाइप के मोमोज मिलते हैं, जो आपको शायद ही नागपुर में एक ही जगह पे मिलेंगे। हाय, वो शाम वाली भूख जब भी लगती ना तो मन करता है कि कुछ यमी खाओ। अरे तो यमी मोमोज के स्टीम और तंदूर मोमोज ट्राई करते हैं, जहाँ है तंदूर, चिली, कुरकुरे जैसे मोमोज की कई वैरायटीज। यमी मोमोज, छावनी, जरीपटका, वैशाली नगर, गोदनी रोड एंड वर्धा रोड। फॉर होम डिलीवरी कॉल 8600-36140। तो यारो, अभी अपने तंदूरी मोमोज हो रहे हैं प्रिपेयर, मस्त मैरिनेट हो रहे हैं सॉसेस में, और उसके बाद इसको डालेंगे तंदूर में, और तंदूर में होंगे ये पूरे कम्प्लीटली प्रिपेयर। तो भैया जा, बाकी के जो मोमोज है ना वो किचन में प्रिपेयर हो रहे हैं, तो फटाफट वो भी प्रिपेयर हो जाए, ये भी प्रिपेयर हो जाए, तो सबको रिव्यू करते हैं। ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर में हमने किया है बेसिक वाले तंदूरी मोमोज। तंदूरी मोमोज में तीन आते हैं, एक हरियाली और एक ये, तो हमने ये वाले ऑर्डर किए हैं। और उसके साथ हमने कुरकुरे मोमोज ऑर्डर किए हैं, और कुरकुरे कबाब मोमोज, और ये चिली चिकन मोमोज, और इनके साथ फ्रेंच फ्राइज मिलती है। एक ऐसा पूरा प्लेटर आता है जिसमें हम लोग कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी सबको एक एक करके ट्राई करते हैं, इनका रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं बेसिक वाले तंदूरी मोमोज। जो मैरिनेशन है ना उसका काफी सही टेस्ट आ रहा है, इस साइड से थोड़ा क्रंच भी आ रहा है, तो मतलब काफी ऑल ओवर काफी सही टेस्ट आ रहा है। अभी अपन ट्राई करते हैं कुरकुरे मोमोज। इसके बेसिकली ऊपर सिंपल मोमोज है, ऊपर अपना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लगा के इसको फ्राई किया है क्रंची लाने के लिए। परफेक्ट, पूरा क्रंची टेस्ट आ रहा है। अभी ट्राई करते पर कुरकुरे कबाब मोमोज। स्टफिंग्स तो बहुत अच्छी है, और उसके ऊपर जो क्रंचीनेस लगा है और कबाब स्टाइल में बनाया है ना, काफी मतलब एग्जॉटिक टेस्ट लग रहा है। और अभी अपन ट्राई करते हैं चिली गार्लिक मोमोज। एकदम जो चिली सॉस में बनाया है ना, थोड़ा स्पाइसी है इसका फ्लेवर, थोड़ा स्पाइसी है, तो अगर आप स्पाइसी प्रेफर करते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। तो ये अपना पूरा प्लेटर था, इसमें अपन ने टेस्ट करके रिव्यूज बताया। और तो भैया मोमोज तो खा लिए, टेस्ट काफी सही था। अभी आके ओनर से कुछ पूछते हैं। तो भैया ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, 101 मोमोज एक ही जगह पे नागपुर में कहां से लाए? ये जस्ट ऐसी मजाक में स्टार्ट किए थे। अच्छा, मोमोज में कुछ करते, तो एक छोटे से फुटबॉल से हमने स्टार्ट किए, मजाक में स्टार्ट हुआ, और टेस्ट अच्छा था, रिस्पांस अच्छा आया, तो फिर इसको सोचे कि बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे। अच्छा, तो आपने नागपुर में कितनी ब्रांचेस है यमी मोमोज की? ये तो मेन ब्रांचेस सदर, एक है NIT वैशाली नगर में, एक है जरीपटका, एक है नंदन वन, एक है तुम्हारा टाकली, जिंगा भाई टाकली में। मतलब दो तीन फ्रेंचाइजी इंशाल्लाह ये आने वाले साल में और चालू होने वाले। तो टोटल मतलब कितनी हो जाएगी अपने अगले साल तक? ये नागपुर में तो चार है, और एक है वर्धा में, वर्धा की पकड़ के पांच फ्रेंचाइजी है ये मेन ब्रांच। अगले साल तक तीन और आ जाएगी इंशाल्लाह, मतलब आठ हो जाएगी टोटल होपफुली। तो मतलब अगर नागपुर में आएगी बाकी की तीन, नागपुर में, नागपुर के बाद सब जगह चालू है बातचीत। अभी तो सब जगह से हमारा चालू है टाइप ही करना, यानी मास्टर फ्रेंचाइजी हम लोग बाहर दे रहे पहली बात तो। अच्छा, एक बार मास्टर फ्रेंचाइजी दे दिया तो कैसे रहता, सामने वो लोग वर्क करेंगे, मेन स्टोरेज हमारा रहेगा, जहाँ से माल प्रोवाइड होगा इनको, जो रॉ मटेरियल बनता है, जो कि पैकिंग करके जो रॉ मोमोज बनता है वो हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, बाकी लोग सिर्फ बेचने का काम रहेगा इन लोगों का। जस्ट लाइक कि यहाँ पे जैसा एक मेन स्टोरेज है, सेंट्रलाइज किचन बना दिए, जहाँ से बाकी लोगों को किचन बनाने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोमोज उनको वो मेड नहीं करते, वो लोग हमारे से परचेस करके डेली बेस पे हम लोग को सेल आउट करके ना सब जगह एक ही टेस्ट मिले।
लेकिन सब लोग अलग अलग बनाएंगे तो रोज का टेस्ट सबका अलग हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि एक ही जगह स्टोरेज बना के सबको माल प्रोवाइड करना चालू करते, स्टॉक एक ही जगह से। एक दिन पहले वो लोग हमको ऑर्डर कर देते कि आज हमारा इतना इतना हमको चाहिए करके, तो हम लोग उतना बना के उनके लिए रख देते। बिल्कुल, बिकॉज क्यों वो बचे ना, क्योंकि फ्रोजन माल बेचने से कोई मतलब नहीं आता, वो स्टॉक बना के इतना ही रखते जितना हमको रिक्वायर है। तो इसलिए हमने सेंट्रलाइज किचन किया कि वो स्टॉक कभी रुके भी ना, अलग अलग बनेगा, माल ज्यादा बना के रखेंगे, फिर उसको फ्रोजन बेचो सामने, कैरी फॉरवर्ड करो। उससे अच्छा हमने एक जगह करा तो कहीं ना कहीं तो माल चल ही जाता है, नहीं कभी फ्रोजन रुकता नहीं है माल। दैट्स व्हाई हमने सेंट्रलाइज करके हम चला रहे हैं। और बाकी जगह जो ओपन करेंगे, बाकी यानी सिटीज में जो चालू होगा वो सेंट्रलाइज किचन के भरोसे ही चालू होगा। एक चालू करेंगे उसके बाद हम लोग फ्रेंचाइजी देना चालू होंगे, लेकिन मेन स्टोरेज हमारा ही रहेगा, जिसका कंट्रोल हम लोग, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए करके। तो अपना ये जो यह सदर वाला आउटलेट है, कि जो सारा आउटलेट है वहाँ की सबकी टाइमिंग एक ही है? सबकी टाइमिंग एक ही नहीं है। सदर वाला 12 बजे खुलता है, नंदन वाला 12 बजे खुलता है, जरीपट का 2 बजे, गोदनी रोड वाला जो अपना है वो शाम को 4 बजे खुलता है, बिकॉज वो स्टैंडी है अभी फिलहाल, और NIT हमारा 5 बजे खुलता है। तो और जो वर्धा है, वर्धा 12 बजे खुल जाता है मॉर्निंग में। हाँ, जो भी कोशिश यही रही ठंडी में सबके आउटलेट 12 बजे खुल जाए। कैसा लगा टेस्ट? मेरे को तो काफी सही लगा, मैंने टेस्ट का रिव्यू दे दिया था, तो जो कुरकुरे मोमोज का जो क्रंच आ रहा था ना, वो मतलब मेरे को बेस्ट, सबसे अच्छे कुरकुरे मोमोज। थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम पे 3-4 मोमोज और नई वैरायटी आएंगे, जैसे अपडेट करेंगे हम पेज पे। एक चीज बस डाल दी हमने, चीज बस चालू करने के, जरीपटका में आपको ट्राई करना, जरीपटका में चीज बस अवेलेबल है अभी। अच्छा। और गार्लिक चिली करके है जो आपको अभी दिए नहीं हमने, गार्लिक चिली करके भी आता है। तो यार अभी फटाफट अपने इंस्टाग्राम पे चीज बस के आ जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू भैया। ये था अपना यहाँ का पूरा एक छोटा सा फूड वीडियो। हमने प्रिपरेशन का ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ छोटे शॉर्ट्स लिए, क्योंकि प्रिपरेशन अंदर होता है, सब किचन में, मेन किचन में प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के शॉर्ट्स नहीं लिए। तो काफी सही था, काफी मतलब टेस्ट काफी सही था, और लोकेशन भी मतलब एकदम प्राइम लोकेशन है, और मतलब इतनी सारी वैरायटी एक जगह पे मिल रही है तो दूसरी जगह जाने की टेंशन ही नहीं। और बोल रहे थे कि काफी और नई जगह पे खुल रहा है और काफी नई वैरायटीज आ रही है, तो अगर आप मोमोज के लवर्स हो तो एक बार आके आप बिल्कुल ट्राई करना। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।